हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और जानेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं वो आ रही है सीएच सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से। तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोजीशन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पे जो पोजीशन निकाली गई वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल दी है। जैसा मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट पोजीशन नहीं है। और यहाँ पे जो इन्होंने स्टाइपेंड है वो फिक्स कर रखा है 30,600 रुपीज़ का, जो है आपको यहाँ पे जो है सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर हम बात करें पे बैंड की, तो यहाँ पे 15,600 39,100 का जो है पे बैंड यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1,340 रुपीज़ जो है आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डेट की, तो देखिए यहाँ पे लास्ट डेट उन्होंने मैसेज कर रखा है 15 जनवरी 2021। तो 15 जनवरी 2021 तक जो है शाम 5 बजे तक आपका जो है फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए और सेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे क्या है, आप जो है अपना जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसे आपको सेंड कर देना है 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो लास्ट डेट उन्होंने 15 जनवरी मैसेज कर रखी है अप्लाई करने के लिए। वही जो लास्ट डेट सबमिट करने की, या हम बोल सकते हैं सेंड करने की आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है 30 जनवरी 5 PM तक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है पोजीशंस के बारे में और डिसिप्लिन्स के बारे में, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में जो पोस्ट है ये निकाली गई है। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट की यहाँ पे डिसिप्लिन मेंशन कर रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जो वन पोस्ट है मेंशन कर रखी है, और जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी जनरल। ऐसे ही आप देख लेते हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, होम साइंस, एक्सटेंशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, सबके लिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोस्ट को मेंशन किया जा रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्टें आप बहुत गौर से देखिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और उसके साथ ही साथ जो है आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सी पोस्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए जो है पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए निकाली गई। टोटल यहाँ पे 39 जो वैकेंसीज निकाला गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपने देख लिया, मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें पोस्ट नंबर 1, 2, 3 और 24 के लिए, यानी होम साइंस फैकल्टी के लिए आपका एमएससी एमटेक होना चाहिए, और साथ में आपको नेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी या सीएसआई नेट। इसके लिए अगर आपका आईसीआर नेट है तब भी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपने 2009 से पहले जो है पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे नेट का कोई भी यूज़ नहीं है, यानी कि अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई है तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री जो होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने आपका जो पीएचडी थीसिस उसे इवेल्युएट किया होना चाहिए, और आपका जो है ओपन पीएचडी बाय वर्क होना चाहिए। साथ ही साथ आपने दो रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए आपके पीएचडी वर्क से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वो मैंने मेंशन कर दिए हैं कि अगर आपने पीएचडी 2009 से पहले रजिस्टर की है तो आपको जो है क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे जो है देखने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए। वहीं और भी पोस्ट है 4 to 13 पोस्ट के लिए, 21 to 23 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की रखी है, तो आप इसे इजिली देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी सब सेम है सबके लिए। जैसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे वेटरनरी फैकल्टी के लिए आपको बीबीएससी होना चाहिए, ठीक है, और या आपका एमवीएससी, एमएफसी या एमएससी होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका जो है आईसीआर नेट होना चाहिए, आपका यूजीसी सीएसआई नेट होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है। इसके साथ ही ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली एलिजिबिलिटी, ये सारी एलिजिबिलिटी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अगर आपको किसी भी एलिजिबिलिटी में डाउट है या आप कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको जो है लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की 15 जनवरी है,
ठीक है, 15 जनवरी 2021 फॉर कैंडिडेट फॉर नॉन ट्राइबल एरियाज एंड ऑन 30 जनवरी 2021 फॉर ट्राइबल एरियाज एंड अबाउट। तो यहाँ पे क्या है, 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है आपका जो एप्लीकेशन रिसिप्ट करने की, तो 15 जनवरी है नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए, सॉरी फॉर नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए, और 30 जनवरी है ट्राइबल एरियाज और अबाउट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने दो दो डेट है वो मैंसन कर रखी है। अगर आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, अगर आप अब्रॉड से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो सेंड करने की लास्ट डेट है 30 जनवरी है। वहीं अगर बात करें, अगर आप लाइक नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते तो आपको जो है लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2021 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपका डिस्कस के लिए। अब आपको जो कि अपना एप्लीकेशन सेंड करना है रजिस्टर्ड बोर्ड्स के थ्रू ही करना है, और जो फी आपने डिपॉजिट करी है उसका भी आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने एड्रेस आप मैंशन कर रखा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार CSKHPKV पालमपुर। तो यहाँ पे जो है आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो सेंड करना है अलॉन्ग विद द लाइक अदर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, इन्होंने बोला अगर फी आपने एक बार सबमिट करी तो ये रिफंड नहीं की जाएगी या कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट CSKHPKV पालमपुर में जो है यहाँ पे इन्होंने नंबर मेंशन कर रखा है इसका, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके अपनी क्वेरी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे तो वो आपको मेंशन करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देना है, आइटम नंबर देना है। अगर आप जो फी पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे तो यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर और डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ इशूइंग बैंक, अमाउंट ऑफ फी रेमिटेड, तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे लिख के देना है। तो ये सब देखिए देखिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको ये पूरा जो है फिलअप करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया, इसे आपको अच्छे से फिलअप करना है। कोई भी गलत लाइक आप कोई भी गलत चीज़ इसमें मत डालिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज़ आपने क्वालिफाई की है उसी चीज़ को ही आप यहाँ पे भरिएगा, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसे इसका प्रिंट आउट निकाल के इसे आपको सेंड करना है फिलअप करने के बाद अलॉन्ग विद योर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि आया है गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से। यहाँ पे देखिए गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से आया है शांतापुरा यमुनानगर हरियाणा से, जो कि अब ये जो कॉलेज दिया एफिलेटेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे जो हैड ऑफ डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन स्टडीज, तो इन तीनों के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। अगर HOD के लिए जो क्वालिफिकेशन वो MA, MSc, MED या PhD होना चाहिए एजुकेशन में, साथ ही साथ आपका यहाँ पे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और 8 ईयर एक्सपीरियंस एज एसोसिएट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। साथ ही आपका एसोसिएट प्रोफेसर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको यहाँ पे देखिए जितने सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी, मैथ, ज्योग्राफी, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन MSc या MA विद 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, साथ ही साथ जो BEd होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन अभी मेंशन कर रखा है। साथ ही आपका नेट या स्लेट या PhD होना चाहिए एजुकेशन या कंसर्ट सब्जेक्ट में। तो अगर आप बॉटनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो नेट है वो बॉटनी में होना कंपलसरी है। अगर बात करें एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे देखिए जो आपका MEd या नेट या स्लेट या PhD होना चाहिए तभी आप जो है एजुकेशन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर देखिए एज पर सेल्फ फाइनेंसिंग रूल ऑफ KUK, तो यहाँ पे देखिए KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग जो भी सेल्फ लाइक सैलरी दी जाएगी तो वो अकॉर्डिंग टू KUK यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। चलिए हम बात करें अगला नोटिफिकेशन की, तो अगला जो नोटिफिकेशन है वो आया है किंग नंदीवर्मन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। तो देखिए यहाँ से जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है मलाई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला वांटेड असिस्टेंट प्रोफेसर टाइपिस्ट। देखिए यहाँ पे तमिल, BBA, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, BCom, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल डायरेक्टर या ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट सबके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाइक पोस्ट के लिए लाइक एप्लीकेशन मांगे गए हैं, और साथ ही साथ टाइपिस्ट की पोजीशन भी निकाला गया, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी को भी यहाँ पे निकाला गया है। क्वालिफिकेशन देखिए एज पर UGC नॉर्म जो हमने ऑलरेडी आपका डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूम जो है फोटो के साथ आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपके डिस्कस कर ली, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे तो आप इसके लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है वो आया रांची यूनिवर्सिटी
रांची से, तो देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये जो पोस्ट है वो कॉन्टेक्चुअल अपॉइंटमेंट है यानी प्योरली टेम्परेरी है। और यहाँ पे देखिए अगर बात करें सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉमर्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, फिजिक्स एंड जूलॉजी के लिए अप्लीकेशन जो है आर इन्वाइटेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, तो अगर आप इन पोस्ट के लिए, इन सब्जेक्ट में अगर आपका मास्टर डिग्री या नेट है, तो आप डायरेक्टली जो है 15 दिसंबर को जाके आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कॉमर्स के लिए भी है, मैथमेटिक्स के लिए भी है, 16 को है इकोनॉमिक्स के लिए, 17 को है जूलॉजी के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। इमोलूमेंट जो आपको मिलेगा वो एज पर झारखंड, लाइक झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और फी जो आपको यहाँ पे 1000 है, और ये जो आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और आपको यहाँ पे नो कोई भी टी ए डी ए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।